गुरु जी ने कब कहाँ किस किस स्थिति में क्या बोला, और मैं उसमें उत्तर प्रदेश संस्थान में भी कनेक्टेड हूँ, हमारे लेक्चर वगैरह होते रहते, गुरु जी ने क्या बोला उसके ऊपर शोध होता रहता। एक दो हमारे मन में प्रश्न आया कल जो आपने इनको बताया। अच्छा अच्छा उसको बताया वो तो सही ही है। हाँ जो मैंने पढ़ा है कोई गुरु जी ने को बताया था जी कि जो जुपिटर जो हमारा है जी ये नीच का वक्री जी तो मकर का वक्री जुपिटर अच्छा हो देता है जी, जी। क्या ये सही है या? हाँ बिल्कुल सही है। मैंने आपको कल जो डिस्कशन हुआ था आपकी तुला लगन की कुंडली और धनु राशि की कुंडली में, मैं आगे कर देता हूँ। तुला लगन की कुंडली और आपकी धनु राशि की कुंडली में जो ये गुरु की पोजीशन है केंद्र में, मैंने आपको बताया था कि स्वाभाविक रूप से इसके दो प्रकार के मिश्रित फलों का ऐसी कुंडली में समावेश रहता है। पहली चीज़ तो गुरु का जो केंद्र स्थान पे स्थापित हो जाना, गुरु जब भी केंद्र स्थान को पे विराजित होते हैं तो गुरु देख के कुछ अपने स्वाभाविक पद यश मान प्रतिष्ठा और धन उपार्जन को लेके कुछ इनके स्वाभाविक नैसर्गिक गुण हैं, तो वो जो स्वाभाविक नैसर्गिक गुण हैं तो वो उसकी दृष्टि जहाँ जहाँ दृष्टि होगी वहाँ वहाँ से वो उस गुणों को अपने प्रखरित करने का काम करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 30% करीब ये अपना पॉजिटिव फल देंगे। पॉजिटिव का मतलब है कि जो इनका स्वभाव है और जिसके ये कारक हैं, तो धन यश पद मान प्रतिष्ठा ये कर्म स्थान के ऊपर इसकी दृष्टि है, दूसरा इसकी लग्नेश जो कर्म स्थान के ऊपर बैठा है उसकी इसमें दृष्टि है, और तीसरा चूंकि इसमें भाग स्थान का स्वामी और भोग स्थान का स्वामी महाबलशाली होके बैठा हुआ है बुद्ध, यहाँ पे अस्त जरूर है लेकिन ये अस्त बुद्ध भाग्य जो अस्त भाग्य है उसको भी जागृत करने का कार्य बृहस्पति के सानिध्य में बुद्ध बहुत प्रकृत रहता है। बुद्ध के तमाम तरीके की जितनी कमियाँ होती हैं दुर्बलताएँ होती हैं या किसी किन्हीं स्थितियों में अगर वो किसी दूषित अवयव को प्राप्त होता है तो वो तमाम चीज़ों को स्क्वायर अप करने का, तमाम चीज़ों को बैलेंस करने का काम बुद्ध के परिपेक्ष में बृहस्पति को प्राप्त है। तो चूंकि ये यहाँ पे बैठा है तो 30% ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, कल की अगर रिकॉर्डिंग को आप पुनः अगर सुनेंगे है ना, तो ये यहाँ से अपना स्वाभाविक पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन यहाँ पे लेकिन लगा हुआ है, हर कुंडली के लिए कुछ मार्केश की परिकल्पनाएं करी गई हैं, हर प्रकार की हर लगन में लगन के स्वामी तत्वों को देखते हुए, लगन के जो प्राकृतिक जो उनके 5 एलिमेंट हैं उनको देखते हुए और 3 अन्य कारण हैं उनको देखते हुए हर लगन के लिए कुछ निगेटिव कंट्रीब्यूटर का वो ताना बाना ज्योतिष में बनाया गया, और इसमें मोटा मोटा अगर आप मोटा मोटा देखते हो तो मोटा मोटा में जो 6ठे भाव का स्वामी होता है, 8ठे भाव का स्वामी होता है, या आपका जो 12वें भाव का स्वामी होता है, या जो 2ठे भाव का स्वामी होता है, या जो 7ठे भाव का स्वामी होता है, इनका भी समावेश करके मार्केश निर्धारित कर दिए गए। तो जब वो उस निर्धारण वाले हम सूत्रों में जाते हैं है ना, तो तुला लगन की कुंडली में जो मंगल है दैट इज ए प्रथम मार्केश, प्रथम द्वितीय की परिकल्पनाएं कुछ करेंगे, और जो बृहस्पति को लिया गया है वो द्वितीय मार्केश में लिया गया है। द्वितीय का मतलब है कि मंगल सर्वाधिक इंटेंस है निगेटिव एनर्जी जनरेट करने के लिए, और जो तुला लगन में जब हम द्वितीय मार्केश के बारे में परिकल्पना करते हैं तो उसमें गुरु का रोल आ जाता है। ठीक है, तो ये मिश्रित फलों का यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी जो होती है मिश्रित फल को जनरेट करने की होती है, और मिश्रित फल को कैसे जनरेट करेगा, जनरेट करने के लिए जो पात्रताएं हैं वो इसने अपनी स्थिति मतलब जन्मकालीन आकाश में जो गुरु ने स्थिति प्राप्त कर ली है जिस भाव में आके बैठ गया है और भाव से जहाँ दृष्टिगत हो गया है वहाँ पे उसने अपनी पात्रता बना दी है, एलिजिबिलिटी जो CV की कहीं नौकरी लेने के लिए जाइए तो CV की एलिजिबिलिटी होती है कि भैया ये इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो इसने तमाम तरीके के यहाँ पर योगों का भी निर्माण किया हुआ है। लेकिन जब मार्केश के हम फल का विचार करेंगे तो उसमें गुरु का बहुत अहम रोल आएगा। गोचर वश गुरु से जब इस आपके नेटल चार्ट के गुरु का समावेश जैसे जैसे जब जब जिन परिस्थितियों में इन्फीरियर होगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि 12 साल के भज्रक भ्रमण में ये केंद्र में बैठा हुआ तुला लगन में सुख स्थान पर बैठा हुआ गुरु 4 से 5 साल पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करके जातक को देगा, लेकिन जो बचे हुए 6 से 7 साल हैं उसमें ये
चूंकि मार्केज है तो निगेटिव एनर्जी का भी इसमें समावेश करेगा, तो हाँ तो निगेटिव एनर्जी जिसका ये कारक है उसमें कमी लाएगा, उस जिसका ये कारक है जब पॉजिटिव फलों का निर्माण कर रहा है तो वो उसमें वृद्धि करने के नई ओपनिंग्स देगा, धन यश पद मान प्रतिष्ठा और संतान, ये चीजें हैं। मतलब बच्चे से रिलेटेड कोई शुभ समाचार मिलने को, बच्चे अगर एजुकेशन में है तो कोई शुभ समाचार, अगर उस दरमियान में वो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, गोचर आपके लिए फेवरेबल बन गया है, तो ऐसे फेवरेबल गोचर में संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल जाएगा, जो आपके पैसे का आना जाना है उसमें आवक जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, या कहीं पैसे का जाने वाला है तो कम पैसे को इन्वेस्ट करके या एक्सपेंडिचर करके आपको रिक्वायर्ड, जितना आप प्लान करके चले थे मकान बनवाना था तो पता लगा कि आपने किसी का कुछ एस्टीमेट जो है 50 लाख करा था, कुछ उसमें ऐसे मानक हो गए कि वो 45 ही लाख में जो है वो हो गया, तो जाने के वाले को रोक देगा। कहीं कोई समाज के अंदर जहाँ जहाँ आप लिंक्ड अप होंगे वहाँ पे कुछ सम्मान की कुछ स्थितियाँ बन जाएंगी, कुछ यश की स्थितियाँ बन जाए, तो जो जो कारकताएँ गुरु ने अपना गुरु को इस सौर मंडल में ज्योतिष में नौ देवों की परिकल्पनाओं में जो जो कारकताएँ इस गुरु को प्राप्त हैं अपने शुभ समय में फेवरेबल समय में वो उसकी वृद्धि करेगा, 12 साल में इस कुंडली में 5 साल वो पॉजिटिविटी जनरेट करेगा, लेकिन जो रिमेनिंग ईयर है उस रिमेनिंग ईयर में कुंडली का मार्केश बन के निगेटिव एनर्जी जनरेट करते हुए उन्हीं कारकताओं में डाउनफॉल करेगा, डाउनफॉल जो कमा लिया होगा एकदम से निकाल भी देगा कि कोई कहीं कोई ऐसी स्थिति आ गई कि वो निकल गया, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं जो एक प्रगति पथ के ऊपर किसी भी जातक को रिक्वायर्ड है। तो ये मिश्रित फलों के लिए ज़्यादा होने से जो कहने कुछ हो जाता, हाँ वक्री होने से ये हो जाता है कि गुरु वक्री होने के तमाम अलग अलग तरीके की अवधारणाएं बताई गई हैं ज्योतिष में, अलग अलग लोगों का मत है, अलग अलग शास्त्रों में इसकी व्याख्या भी अलग अलग करी गई है, लेकिन जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की आधुनिक परिकल्पना है कि जिसमें आप वैज्ञानिक तथ्यों को ज़्यादा विचार करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा विज्ञान के करीब रह के ज्योतिष की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, जब ऐसे परिदृश्य में इसको देखा जाता है तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जुपिटर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ की तुलना में ग्रेविटेशनल फोर्स और उसका जो अपना द्रव्यमान है वो अर्थ की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। और नीच और उच्च को एस्ट्रोनॉमिकली जब देखते हैं तो नीच और उच्च को इस तरह से देखा गया है कि जब सायन और निरायन दो तरीके के ज्योतिष होते थे, एक नग्न आँखों से और एक टेलीस्कोप से देखने वाले, तो उसमें ये जब आकाश में कोई चीज़ कोई ग्रह ज़्यादा चमकीला नज़र आता है तो उसको जो है एक दृष्टिकोण दिया गया, और जब वो धूमिल नज़र आता है तो उसका दूसरा, इससे सायन और निरायन का अंतर पड़ा लगा, तो वो जो ज़्यादा चमकीला आता है तो जब नग्न आँखों से उस समय विचार किया गया था तो उसी समय ये परिकल्पना बनाई गई थी ये पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक है, नज़दीक होके गोचर कर रहा है। तो कोई भी ऐसा प्लैनेट या कोई ऐसी वस्तु जब किसी एक दूसरी वस्तु के सापेक्षिक गति कर रही है और आपस में ग्रेविटेशनल फोर्सेस से कनेक्टेड है तो जब उनकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी तो हलचल दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कारकता है किसी चीज़ को जनरेट करने की या किसी चीज़ को डिसइंटीग्रेट करने की क्षमता है, उस क्षमता में स्वतः ही वृद्धि हो जाएगी। कब वृद्धि होगी? जब वो ज़्यादा नज़दीक होगा या ज़्यादा दूर होगा इससे निर्धारित होगा। दूसरी चीज़ जो वक्र गति होती है, वक्र गति में स्टेडीनेस आ जाती है कि जब आप नग्न आंखों से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि या तो वो स्टेडी हो गया है और कुछ समय के पश्चात ऐसा लगने लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा, तो हो रही है आगे की गति, लेकिन वो एक सापेक्षिक गतियों के सिद्धांत के हिसाब से ऐसा आभास होने लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, जा नहीं रहा है पीछे। तो ऐसी जो परिस्थितियाँ होती हैं, इन परिस्थितियों में उस पर्टिकुलर ग्रह का पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी में जो यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं उसके ऊपर और मानव मस्तिष्क के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा का मतलब यह है कि जितने, अगर उसको क्वांटिफाई आप करें तो जितने फोर्स से वो पहले प्रभावित हो रहा था
मतलब पॉजिटिव और निगेटिव में, उससे ज्यादा फोर्स का अनुभव करते हुए वो उसकी वक्र गति में प्रभावित होगा। तो वक्र गति की जो परिकल्पना है वो बेसिकली किसी शास्त्र में लिखा है कि शुभ ग्रह वक्री होके अशुभ हो जाता है, किसी शास्त्र में लिखा है कि अशुभ ग्रह जो है वक्री होके जो है शुभ हो जाता है, किसी में लिखा है कि शुभ ग्रह जब अशुभ स्थान को ऑक्यूपाई कर लेता है वहाँ पे वक्रत्व प्राप्त करता है तो शुभ फल देता है। तो कहने का मतलब है अलग अलग चीज़ें करी गई हैं, लेकिन वो जो अलग अलग चीज़ें हैं वो उस समय के मनोविचार और उस समय के जो उनकी समझ और एक नग्न आँखों से ग्रहों को देखने की जो स्थितियाँ थीं और मानव मस्तिष्क को समाज के ऊपर जिस तरीके का प्रभाव, तो उस तरीके से उसकी व्याख्या करी गई है। लेकिन जुपिटर का हमको जो जो पंडित जी लोग हैं बस्ती में उन्होंने कहा कि जुपिटर आपका जो फोर्थ हाउस में बैठा है, माता भूमि भवन सुख वाहन ऐसा वो बताते हैं, यहाँ का ये स्थान जी, तो ये आप मेरी स्थिति कहते हैं ठीक है जी, इसके हिसाब से वो कहते हैं कि क्या ऐसा सही है? मैं पुनः बोलिए, आपकी बात कुछ शायद अधूरी रह गई, दोबारा बोलिए। फोर्थ हाउस में बैठा है जी, इसको कहते हैं माता भूमि भवन सुख वाहन का ये स्थान जी बिल्कुल, और ये चीजें हमारी जीवन में ठीक है जी, तो क्या ये मतलब ये इसको बना ले कि ये सही है युग का मेरे लिए, मतलब इसका मतलब वक्री होने का प्रभाव अच्छा मेरे कुंडली पे पड़ रहा है? मैंने आपको ये बताया कि वक्री होने से कारकताओं में वृद्धि करेगा और केंद्र में स्थान लेने की वजह से 30% अपने नैसर्गिक गुणों को बढ़ा के रखता है, ठीक है ना। तो नैसर्गिक गुण कौन से होते हैं? एक तो ग्रह के होते हैं और दूसरा जो है उस राशि और भाव के भी नैसर्गिक गुण होते हैं। तो राशि भाव और ग्रह के जो नैसर्गिक गुण हैं उनको, तो अगर इस भाव की परिकल्पना माता भवन और सुख स्थान के रूप में करी गई है, ग्रह की परिकल्पना धन पद यश मान प्रतिष्ठा संतान के रूप में करी गई है, राशि की परिकल्पना जो राशि के गुणों के आधार पर किए गई है, तो ये जितने भी कंपोनेंट होंगे स्वाभाविक रूप से आपके अन्य समकक्ष लोगों की तुलना में आपको स्वतः ही बेटर प्राप्त होंगे। और जब बेटर प्राप्त होंगे, कोई चीज़ अगर दूसरे की तुलना में आपके जीवन में बेटर है तो वो योग कारक है। इसका मतलब है कि वो कोई योग है, वो योग आपको आपके जीवन में आपके भाग्य का प्रतिशत बढ़ा के आपको योग्य कारक स्थितियों की तरफ। लेकिन वो चीज़ें कब घटित होंगी, ये घटना तमाम तरीके के अन्य कॉम्बिनेशन के ऊपर भी निर्भर करती है जी। मेरा हाँ, तो ये कुल मिला के जो लेकिन है मिश्रित, मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि आगे आपको एक इसमें फार्मूला और लगता है। मैं थोड़ा सा निगेटिव एक्चुअली कम हाईलाइट करता हूँ क्योंकि आदमी के जीवन में वैसे ही तमाम तरीके की आजकल जो है उलझने रहती हैं, या उसको कह लीजिए निगेटिविटी रहती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात करनी चाहिए, पॉजिटिव विकल्पों को ज़्यादा तलाश लेना चाहिए। लेकिन चूंकि आपने इतना डिस्कशन किया है तो इसमें एक परिकल्पना और करी गई है, एक चीज़ और, स्थान हानि करोति जीव का इसमें एक फॉर्मूला भी लगता है। तो वो ये फॉर्मूला कहता है कि बृहस्पति देव जहाँ पर विराजमान होते हैं उस भाव के फल की कमी करते हैं, ठीक है ना। तो ये कमी करते हैं, एक फार्मूला ये भी लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे फार्मूले जो है कि किसी समय पे आपको एक साथ आपके जीवन में लग जाएंगे। स्थान हानि करोति जीव का जो मैं ये मानता हूँ कि ये फार्मूला जब ये बृहस्पति छठे आठवें और बारहवें स्थान पे बैठता है, या ये जो है तिथि भाव या एकादश भाव में जब विराजित होता है, तो ये स्थान हानि करोति जीव, या सप्तम भाव में दाम्पत्य से रिलेटेड होता है और अगर मार्केश भी है, तो स्थान हानि करोति जीव का फॉर्मूला लगता है। और ख़ास तौर से अगर ये शनि की राशि में हो तो ये फॉर्मूला लगता है। तो चूँकि आपकी कुंडली में नीच का है, ठीक है ना, अब चूँकि ये नीच का है, अब इसको समझिएगा, निगेटिविटी तो है, स्थान हानि करोति जीव की भी है, और तुला लगन में द्वितीय मार्केश होने की वजह से भी है। लेकिन चूंकि ये नीच का है, नीच का मतलब है कि सापेक्षिक जो दूरी है अर्थ से, जन्मकालीन आकाश में अर्थ से जो जुपिटर की दूरी है वो ज़्यादा है। मैंने अभी आपको एक बताया था कि दृश्यता, जब ज़्यादा चमकीला होता है तारा तो वो उच्च, कोई भी उच्च का उसमें जाएगा तो उस दरमियान अगर उसकी दृश्यता बन रही है नग्न आँखों से आकाश में, तो वो ज़्यादा आपको चमकीला, अगर स्काई क्लियर है और सापेक्षिक उसमें जो है
सूर्य अस्त के बाद उनके दिखने की स्थिति है, तो वो आपको ज़्यादा चमकीला अपनी उच्चता में दिखाई पड़ेगा और अपनी नीचता में वो थोड़ा सा डल आपको दिखाई। तो इसकी जो नकारात्मकताएं हैं, इसके नीच होने की वजह से, यानी कि जन्मकालीन आकाश में दूरी होने की वजह से नकारात्मकताओं से आप बचे हुए हैं या उसमें कमी है, तो एक बैलेंस बना हुआ है। यानी कि वो जो 30 और जो 70% का जो मैंने आपको बैलेंस बताया था, वो 50-50 हो जाता है, कि मतलब नकारात्मकता में कमी हो गई और पॉजिटिविटी में केंद्र में बैठने की वजह से और बृहस्पति के स्वाभाविक गुणों की वजह से उसकी वृद्धि हो गई, तो वो रेशियो आपका 50-50 हो जाए। तो और ये 50-50 रेशियो के ऊपर ज़्यादा चिंतन और ज़्यादा समझ आपको जीवन के अनुभवों से तब डेवलप होगी जब आप इस दशा में प्रवेश करेंगे, जब बृहस्पति का आगमन होगा। जब उसका आगमन होगा, तो आगमन के साथ ही, आगमन से 6 महीने पहले से ही वो जो मिश्रित फल है वो आपको दिखने गए, कि कहीं धन की तेज आवक हो गई तो शरीर की कहीं हानि हो गई, सब एक साथ दिखेगा आपको। जो 6 महीने शुरू से लेके जो 2 साल आगे का पीरियड है, टोटल 2 साल का, 6 महीने पहले से लेके 1.5 साल जो आगे का पीरियड, जब गुरु में गुरु का अंतर चलेगा आपका, तो जो ये 1.5 साल आगे का पीरियड रहेगा, टोटल 24 महीने में आपको बहुत कुछ मिश्रित अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, पॉजिटिव की तरफ भी और साथ ही साथ जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि द्वितीय मार्केज है, तो द्वितीय बृहस्पति का मार्केज होना और मार्केज के फल देने पे उतारू हो जाना मंगल से भी ज़्यादा किन्हीं परिस्थितियों में, राहु से भी ज़्यादा किन्हीं परिस्थितियों में, केतु से भी ज़्यादा किन्हीं परिस्थितियों में होता है। तो एक बीसा यंत्र होता है, अगर बीसा यंत्र होता है, तो उसमें इन सारे भावों को एक साथ इंटीग्रेट करना है, तो उसमें जैंस भी लगेगा, कुछ उसमें आकृतियाँ होती हैं, उन आकृतियों का निर्माण होता है और उसको एक विशेष नक्षत्र में बनाया जाता है, और बनाने के बाद आप उसको जब प्रकृति के कुछ एडिशनल कंपोनेंट जिनसे मुहूर्त का निर्माण होता है, उस मुहूर्त के अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी पत्री से समन्वय बनाते हुए इसको धारण कर लें, तो मैं गारंटी के साथ तो ये कह सकता हूँ कि ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, ज़्यादा डोमिनेंस के साथ गुजरेगा, मतलब ज़्यादा फ्री होते हुए, ज़्यादा डोमिनेंस के साथ और निगेटिविटी को बिल्कुल किनारे रखते हुए, क्योंकि राहु की दशा, तो वो राहु की दशा में जो आदमी आपके विचारों से सहमत भी नहीं होगा, वो आभा मंडल इस प्रकार से बन जाएगी कि वो 10 में से 2 या 3 जो मन में नकारात्मक विचार भी रखते होंगे वो भी पॉजिटिव करेंगे। तो जब 10 में से 10 लोग आपके विचार को यस करते हैं, तो विरोध होता ही नहीं है ना। जब विरोध नहीं होगा तो वाद विवाद नहीं होगा, वाद विवाद नहीं होगा तो लिटिगेशन नहीं होगा, लिटिगेशन नहीं होगा तो सत्ता नहीं होगी। तो वो जो पीरियड है, वो पीरियड बिना किसी शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक क्षति के पूरी तरीके से, और कोई भी उपाय जो होता है वो 1 साल से लेके 2.5 साल तक के लिए ही किया जाता है।